तीन लीटर में कितने ml होते हैं? 3000। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 5000 ml में कितने लीटर? 500 सेंटीमीटर में कितने? अब देखो यहाँ पर कुछ यूजेज है, ठीक है। कुकिंग और ड्रिंकिंग में घर में लगते हैं 40 लीटर्स, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स में लगते हैं 50, क्लीनिंग यूटेंसिल्स में लगते हैं 20 और बाथिंग में लगते हैं कितने? 75 लीटर। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट करना है, द वाटर इज यूज मैक्सिमम फॉर, सबसे ज़्यादा पानी किस चीज़ में यूज हुआ है? बाथिंग, ठीक है। टोटल वाटर यूज बाई द फैमिली, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, इन सबको क्या कर देना है? जोड़ो, 5 लीटर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो रामू की जो दादी है उसको बुखार हो गया है, ठीक है, और डॉक्टर ने उसे कितने की सीसी दे दी? 200 ml की, और उसे वो दवाई 10 दिन तक लेनी है, तो एक दिन में कितनी लेनी पड़ेगी उसे वो? 20। क्या करना पड़े, क्या करना है उसके लिए? भाग, वेरी गुड, 10 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो कितनी लेनी है उसे एक दिन में? 20 ml। दीपा के पास 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है, और उसके पास जो एक गिलास है वो 250 ml का है, ठीक है, तो 250 ml के गिलास से कितनी बार डालना पड़ेगा कि वो पूरी बोतल भर जाए? इसके लिए भी क्या करना है? भाग। 250 से किस में देना है भाग? 250 कितने में दोगे भाग? 250 बताओ। 1 लीटर में, 1 में तो भाग दे नहीं सकते, 1 लीटर में तो भाग नहीं दे सकते, इसको ml में चेंज करना पड़ेगा। कितने में? 1000 में, ठीक है। सलीम के पास 1 लीटर की एक कैपेसिटी की एक बॉटल है, ठीक है, उसने से उसमें से 250 ml पी लिया, उसके दोस्त ने उसमें से 150 ml और पी लिया, तो अब वो बताओ कि उनके पास कितना पानी बचा हुआ है? 600। कैसे? किस किस को? सर जी 150 को, 150 और 250 को प्लस किया तो कितना आया? 400। और किस में से घटाया? 1000 में से कितना आया? 600। क्या? मिलीलीटर, मिली लीटर, ठीक है।